हेलो फ्रेंड्स, इसीलिए जब भी कोई महिला अपने बच्चे को स्तनपान कराती है तो उसकी वजह से उसका शरीर भी काफी अच्छे तरीके से मेंटेन रह पाता है, अपने बच्चे को भी वो पोषित कर पाती है और इसी के साथ साथ आगे जाकर वो अपने फिगर को आसानी से मेंटेन भी कर सकती है। ये तो हुई महिला की बात जो बच्चों को स्तनपान कराती है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि जो भी बच्चे अपनी माँ का स्तनपान करते हैं या फिर अपनी माँ का दूध पीते हैं वो कितने ज्यादा स्वस्थ रहते हैं? जी हाँ, एक शोध से, और ये बात हर माँ को जो भी नई नई माँ बनी है और जिसने अपने बच्चे को स्तनपान कराया है उसे अच्छे तरीके से पता होता है कि जब भी वो अपने बच्चे को दूध पिला रही है तो वो केवल अपने बच्चे को दूध नहीं पिला रही है बल्कि उसके पूरे शरीर को पोषण दे रही है, उसे स्वस्थ कर रही है। आपने अक्सर सुना होगा कि कहा जाता है डिलीवरी के बाद जब बच्चे को पहली बार भूख लगती है तो उसे अपनी माँ का पहला गाढ़ा दूध ही पिलाना चाहिए क्योंकि वो लंबे समय तक उसके जीवन के रक्षक की तरह काम करता है और बड़ी से बड़ी बीमारी से उस बच्चे को आसानी से बचा लेता है। आपने अक्सर ये भी देखा होगा कि वो नवजात शिशु जिसे किसी कारणवश अपनी माँ का दूध पीना नसीब नहीं होता है उसका शरीर काफी ज्यादा अस्वस्थ रहता है क्योंकि उसे सारा पोषण अपनी माँ के दूध से ही मिलता है और वो दूध उसे नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से बाजार में मिलने वाला दूध हम बच्चों को प्रयोग करवा देते हैं जिसकी वजह से उसकी भूख तो मिट जाती है लेकिन शरीर अस्वस्थ हो जाता है। इसीलिए अगर आप चाहती हैं कि आपका नवजात शिशु अस्वस्थ ना हो और वो स्वस्थ बनकर बड़ा होता चला जाए तो उसे स्तनपान जरूर करवाएं। इस वीडियो को जरूर देखिए और अपने व्यूज को हमारे साथ शेयर करिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए YouTube पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।